नेटफ्लिक्स पर टेकन नाम से एक एनिमेटेड सीरीज को रिलीज किया जाता है। 6 एपिसोड हैं इस सीरीज के अंदर। टेकन, अगर आप लोगों ने इस नाम से कोई गेम खेली हुई, डेफिनेटली आप इस सीरीज को देखना चाहोगे, क्योंकि गेम इसकी काफी ज्यादा फेमस रही है। मैंने टेकन की गेम PS1 के ऊपर खेली थी, उसके बाद PS2 पे मुझे कभी मौका नहीं मिला। घर वालों ने अलाउ नहीं किया, पिता ने बाहर नहीं, मतलब इस तरीके की चीजें खेलने से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ करते थे, और बाहर खेलने जाऊं तो भैया पैसे ही नहीं हुआ करते थे। तो मैंने मतलब PS1 पे ही इस गेम को खेला और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी। देखो, ये एक तरीके से 1-on-1 गेम है, मतलब एक प्लेयर आपका होगा, एक प्लेयर आपके अपोनेंट का होगा, और दोनों आपस में फाइटिंग करेंगे और जो जीतेगा मतलब वो जीतेगा। तो इसी गेम को अडेप्ट करते हुए एक कहानी बनाई गई है, टेकन, टेकन ब्लड लाइन नाम से एक सीरीज है, वो इसमें आती है। अब देखो, इस सीरीज की कहानी में एक जिन कजामा एक करेक्टर होता है, वो अपनी माँ के साथ शांति से रह रहा होता है। फिर एक दानव और उग्री ऐसा कुछ नाम है। देखो, मैंने बहुत पुरानी गेम खेली हुई है PS1 के ऊपर, तो उस वक्त भी काफी नाम मुझे याद थे, लेकिन अब मुझे याद नहीं है। वो किंग करके ऐसा कुछ नाम है, जो शेर जैसी उसकी शक्ल होती है, पोल करके एक करेक्टर होता है, मतलब वो कुछ एक नाम याद है। अब मैंने नहीं खेली है तो इतने मुझे ज्यादा याद नहीं है। तो एक दानव, हरा दानव आके उसकी माँ को मार देता है। अब जिन उससे बदला लेने के लिए अपने नाना के पास जाता है, उसके नाना का नाम भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वो मैं भूल रहा हूँ उसके नाना का क्या नाम होता है। अब उसके नाना उसको मारने, मतलब उस दानव को मारने के लिए अपने इस दोइते को ट्रेनिंग देता है कि भैया उसको कैसे मारा जाए, और इसके लिए कोई टूर्नामेंट का भी आयोजन करते हैं। अब देखो, ये इस तरीके की जो सीरीज होती है, जो गेम के ऊपर आधारित होती है, और खासकर ये जो गेम है वो 1-on-1 गेम है, मतलब मैंने कहा ना कि वर्सेस गेम है, दो प्लेयर आपस में लड़ेंगे और जीतेंगे, एक कोई जीतेगा उसके अंदर। तो इस तरीके की अडेप्ट, इस तरीके की गेम के ऊपर जब भी कोई सीरीज बनती है, तो वहां पर वो टूर्नामेंट को जैसे तैसे लाने की कोशिश करते हैं और वहीं इंटरेस्ट खो जाता है। मैंने बहुत कम ऐसी मूवीज देखी हैं जो गेम के ऊपर बनी हुई और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ज्यादातर गेम के ऊपर बनी हुई जो मूवी है, चाहे वो एनिमेटेड सीरीज हो, एनिमेटेड मूवी हो, चाहे वो लाइव एक्शन मूवी हो, वो बहुत ज्यादा निराश करते हुए हैं। अभी हाल ही में जैसे एक सीरीज आई थी मोर्टल कॉम्बैट के ऊपर, सीरीज थी, उसके ऊपर मूवीज भी आ चुके हैं, उन्होंने कितनी बार ट्राई कर चुके हैं, लेकिन वो एक अच्छा सा इंपैक्ट बना ही नहीं पाए मोर्टल कॉम्बैट के ऊपर। वहीं टेकन के ऊपर मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पर इन्होंने कोई इतना बढ़िया अचीवमेंट नहीं किया है। सीरीज जब स्टार्ट होती है तो इसमें कोई भी करेक्टर डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है, बस एक फाइटिंग हमें देखने को मिल रही है। ऑब्वियसली जो गेम है वो फाइटिंग के ऊपर ही है, लेकिन एक इमोशन जो है वो इसमें कनेक्ट नहीं होते, हम करेक्टर के साथ कनेक्ट नहीं होते, स्टोरी हमें इतनी ज़्यादा प्रभावित नहीं करती है। यकीन मानो, जब इस सीरीज का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो मैं इस सीरीज को देखना चाह रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मुझे उस वक्त तो ट्रेलर में तो बहुत बढ़िया फाइटिंग लग रही थी, लेकिन जब ये सीरीज आती है तो यार इतना मुझे फाइटिंग अच्छी नहीं लगी। हाँ, छोटा मोटा सरप्राइज है, वो लास्ट में जब सीरीज जब खत्म होती है तब आपको देखने को मिलेगा। जिन कजामा को लेकर यह है, उसका उसका कुछ पास्ट है, उसके नाना का ऐसा कुछ वहां पर दिखाएगा जो मुझे अच्छा लगा है, जहां पर मेहनत की गई है। और देखो, मुझे लगता है कि गेम के ऊपर आप कोई सीरीज बना भी रहे हो तो उसमें ज़्यादातर फोकस करो कि आप करेक्टर डेवलपमेंट अच्छे से कर पाओ, आप एक इमोशनल एंगल सही से डाल पाओ, ताकि आप उस कनेक्ट सीरीज से जो ऑडियंस है वो कनेक्ट हो पाए। मुझे वो इस चीज़ में कमी महसूस हुई। मेरी तरफ से देखो, इस सीरीज को मैं देना चाहूंगा 4/10। अगर आप लोगों ने ये सीरीज देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि कैसी लगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, तो अगर आपको गेम पसंद है टेकन, तो आप शायद इसको देखना पसंद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।